गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुजादा रोवर्स। तो मैं आ गई हूँ इंडिया वापस, लेकिन अकेले ही इस बार। काम की वजह से मुझे आना पड़ा वापस, और वो आएंगे शॉर्टली मे बी। बट स्विट्ज़रलैंड के बहुत सारे वीडियोस मैंने ले लिए हैं, और शॉर्टली वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके। और दशहरा सेलिब्रेशंस के लिए मैं आ गई हूँ तेलंगाना स्टेट में, मेरी मम्मी के यहाँ। और शायद आपको बैकग्राउंड में वही सुनाई देता होगा, गाने वाने चलते हैं, पूजा पाठ एंड ऑल। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तेलंगाना स्टेट कैसे अलग है, इनके सेलिब्रेशंस कैसे होते हैं, क्या है यहाँ के स्पेशलिटीज़, और कैसे है ये स्टेट अलग दूसरे स्टेटों से सेलिब्रेशंस में। तो लेट्स स्टार्ट एंड एन्जॉय। वैसे भद्राचलम तेलंगाना आने के लिए बहुत सारे रेलवे स्टेशंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे हैदराबाद, खम्मम और बहुत ही सारे, लेकिन मैं राजमंड्री चूज़ की क्योंकि कोलकाता से पास यही पड़ रहा था लेस डिस्टेंस में। और ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये एशिया सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज है अपॉन गोदावरी रिवर, जो कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट होके तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होके निकलता है, जो कि भद्राचलम में भी है। आपको दिखाती हूँ जब ब्रिज होंगे। रास्ते में एक जगह लंच के लिए रुका था गाड़ी, वहाँ पे मैंने लाइट वेट थोड़ा इंक्रीज मंगा लिया। तो यहाँ से हमारे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए। तो
गोवा स्टेट में एक फ्लोरल फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, जिसे बतकम्मा बोलते हैं और 9 days के लिए सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल में रीजनल फ्लावर्स को लेके एक माउंटेन से बनाया जाता है और उसके गोल गोल घूमते हुए रीजनल फोक सॉन्ग्स गाते हुए डांस करते हैं हर शाम को दुर्गाष्टमी के तक, और लास्ट डे का ये लोग विसर्जन करते हैं उसको। बतकू मीन्स लिव और अम्मा मीन्स गॉडेस, सो द मीनिंग इज लॉन्ग लिव गॉडेस। और ये रहा हमारे घर के पास का पंडाल, जिसके पहला ही दिन दर्शन हुआ। कैसा रहा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई इन्फॉर्मेशन इन डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हैप्पी दशहरा।